वही हो जो एक महापुरुष शिवाजी महाराज को अपने बाप की जागीर समझते हैं, जबकि शिवाजी महाराज का जो नारा था। पैरा मेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरा मेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखे, साई चैतन्य पैरा मेडिकल कॉलेज रूबी सिटी स्कैन के ऊपर मोची कॉर्नर। शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के लेटर पर जो 23 तारीख को शिवाजी महाराज स्मारक के पास समाजवादी का धरना आंदोलन है इंसाफ के लिए, उसके खिलाफ उन्होंने एक लेटर दिया कलेक्टर को, पुलिस डिपार्टमेंट में तहसीलदार को, जबकि हमेशा से कई सालों से ये देखा जा रहा है कि गढ़ की यात्रा हो के संकल हिंदू समाज हो और दूसरे कई ऐसे ही छोटी छोटी संस्था बनाई गई है जो मालेगांव शहर के लॉ एंड ऑर्डर या वातावरण को ख़राब करने का काम करती है। और उन्होंने दिया है कि शिवाजी महाराज के स्मारक पे जो धरना देने वाले हैं और मेरा नाम लिखकर ये बोला कि यार हम फसादी हैं, जबकि मुझ पर जो भी केसेस हुए वो समाज में कामकाज करने के लिए सियासी और सामाजिक कामकाज करने के ताल्लुक से ही हुए। और निहाल साहब के वक्त से हम कभी भी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलना इसे कभी गुनाह नहीं मानते और ना ये तरीका गलत है। गांधी से लेकर भगत सिंह तक सभी लोगों ने समाज में लड़ाई लड़ने के लिए, आज़ादी की लड़ाई हो या सरकार के ख़िलाफ़ अगर कुछ गलत फैसला हो रहा हो तो उसके ख़िलाफ़ हमने हमेशा आवाज़ उठाई है और उठाते रहेंगे। और शिवाजी महाराज स्मारक उनके बाप की जागीर नहीं है। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट से कहूँगा कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो एक महापुरुष शिवाजी महाराज को अपने बाप की जागीर समझते हैं, जबकि शिवाजी महाराज का जो नारा था स्वराज्य सबके लिए बराबर है, इस नारे को लेकर हम धरने में बैठने वाले हैं कि मालेगांव सेंट्रल के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है और एक मंत्री हैं जिनके ऊपर खुद 2002 में एक मर्डर केस चला फसाद के वक्त, मगर वो जिस तरीके से जातिवाद कर रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल का मामला हो, बजट का मामला हो या जितनी ऑफिसेस हों, वो सब के सब एक हिस्से में शिफ्ट की जा रही है, जिसकी वजह से मालेगांव शहर के गरीब आवाम को मुसलसल तकलीफ हो रही है। इन सब सवालात पर हम एक नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ शिवाजी महाराज से इंसाफ के लिए हम वहाँ बैठ रहे हैं। हम किसी भी तरीके से उनके खिलाफ नहीं बैठ रहे हैं, हम उनसे इंसाफ लेने के लिए बैठ रहे हैं। और ऐसे जो लोग हैं जो शहर का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करते हैं और कोई भी छोटा मोटा मामला हो वो उड़ते हैं, लेटर देते हैं, और ये लोग क्या बात करेंगे जो शिवाजी महाराज के वहाँ पर भगवा झंडा लेकर आने वाले थे 15 अगस्त को। उस वक्त भी हमने तिरंगा झंडा लेकर इनको भगाया था। हम इस देश का संविधान मानते हैं, इस देश का कानून मानते हैं और इस देश के कानून और कायदे के हिसाब से चलते हैं। मेरी पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से गुजारिश है कि वो इन लोगों पर पहले एक्शन लें, इनके ऊपर FIR दर्ज करें जो एक महापुरुष को अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं।